2023 विधानसभा चुनाव करीब है और आपने देखा होगा बीएनसी न्यूज़ ने मुहिम चला रहा है। आखिर युवा किसके हैं, कांग्रेस की, बीजेपी के, दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं युवाओं को साधने के अंदर जुट चुके हैं। हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, युवा नेता है, गाजी क्या कहेगी किसके हैं ये युवा? निश्चित तौर पर कांग्रेस के हैं। इन युवाओं को वोट देने का अधिकार हमारे दिवंगत नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी ने दिया। तो युवाओं को रोजगार देने का काम कांग्रेस ने किया, युवाओं को शिक्षा देने का काम कांग्रेस ने किया, युवाओं को प्रथम पंक्ति में लाने का काम राहुल गांधी करते हैं। पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल जी ने हर वर्ग, हर राज्य, हर समाज, हर क्षेत्र के युवाओं को जोड़ने का काम किया। तो निश्चित तौर पर युवा कांग्रेस के साथ। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो इन्होंने युवाओं को बेरोजगार किया। लॉकडाउन में आपने देखा कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑक्सीजन मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए पूरे विश्व में। वहाँ भारतीय युवा मोर्चा क्या कर रही है, नकारात्मक। देश के प्रधानमंत्री ने एयरलाइंस रुकवा कर और ट्रेनें रुकवा कर इस देश के युवाओं को, जब किसी न किसी देश के कोने में काम कर रहा था उसको बेरोजगार किया और वो पैदल उस जगह से अपने घर की ओर निकला। और पूरे रास्ते पर कांग्रेस के लोग, युवा कांग्रेस के लोग और सामाजिक संस्था के लोग उनकी मदद को खड़े थे। उस पूरे टाइम में भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक, वो राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग अपने युवाओं के साथ खड़े थे, युवाओं के साथ। तो ये लोगों ने देखा है कि जब भी देश पे विपदा या आपदा आई है तो युवा कांग्रेस और कांग्रेस देश के साथ खड़ी रही, युवाओं के साथ खड़ी रही। तो निश्चित तौर पे आने वाले सभी चुनावों में युवा सारे के सारे कांग्रेस के साथ है। कर्नाटक इसका जीता जागता उदाहरण है, युवाओं ने अपनी भागीदारी लेकर वहाँ पर कांग्रेस की सरकार। भाजपा कह रही है कि जब से युवा 18 साल के लिए युवा जब से पैदा हुए तब से बीजेपी को ही देखा, बीजेपी के कार्यकाल देखा कि 20 साल शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री रहे, 15 महीने जो है कांग्रेस की वह सरकार आई थी। लेकिन क्या वो युवा वो 15 महीने और 18 साल को कंपेयर कर रहा है? वो युवा 18 साल का जो युवा अब हुआ है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसके सामने व्यापम घोटाला, उसके सामने भर्ती घोटाला, पटवारी घोटाला। वो युवा जो आज कॉलेज में आ रहा है, 18 साल की दहलीज पार कर रहा है, वो अपने भविष्य को भारतीय जनता पार्टी के सामने अंधकार में महसूस कर रहा है कि अगर यही सरकार रही तो ना मुझे नौकरी मिलेगी ना शिक्षा मिलेगी। ये घोटालेबाज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी अगर रही तो इसी तरीके से घोटाले होंगे और पैसे वाले या रिश्वत देकर लोगों की नियुक्तियाँ होगी, जो योग्य लोग हैं वो अपात्र हो जाएंगे और वो बेरोजगार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये नूर काजी साहब से जिस हमने बात की कि आपको जिन्होंने कहा है हमने आपको बताया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बीएनसी के साथ। बीएनसी मीडिया के लिए मैं दानिश रखा हूँ।